लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी संजय देशमुख ने मंगलवार को यवतमाल में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर संजय देशमुख, आदित्य ठाकरे और रोहित पवार ने केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर प्रहार किया। पेश है दिग्गज संवाददाता जुबेर खान की खास रिपोर्ट। महाविकास आघाड़ी के यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी संजय देशमुख ने बतौर उम्मीदवार मंगलवार 2 अप्रैल 2024 को लोकसभा नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर पोस्टल ग्राउंड पर आयोजित जनसभा में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए शिवसेना के आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रोहित पवार सहित अन्य मान्यवर नेताओं ने केंद्र तथा राज्य के सत्ताधारियों को जमकर लताड़ लगाई। सभा की शुरुआत में उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के शिवसेना के लोकसभा प्रत्याशी संजय देशमुख ने पूर्व सांसद भावना गवली की निष्क्रियता, शिंदे गुट की दगाबाजी, किसानों की दुर्गति, विकास कार्यों से कोसों दूर जिले के विभिन्न गांव सहित यवतमाल शहर में गुंडागिरी, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जमकर प्रहार किया। तुम्ही कुठेही जा, तहसील मध्ये जा, भ्रष्टाचार आहे। पोलीस स्टेशन मध्ये जा, भ्रष्टाचार आहे। कोणत्याही शासकीय कार्यालय मध्ये जा, पैशाशिवाय काही काम होत नाही। आणि मोदी साहेब सांगत होते कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे सदार खाऊंगा ना तुमचे अंदर खासदार, तुमचे मंत्री एवढे गब्बर झालेले आहे। या गब्बर लोकांना कुठतरी जागा दाखवण्याची वेळ आलेली आहे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे ने भी महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी संजय देशमुख को लोकसभा चुनाव में भारी आंकड़ों से जिताने का आह्वान करते हुए संजय देशमुख के प्रचार प्रसार में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही। इस दौरान मंच पर पूर्व मंत्री वसंतपुर के शिवाजीराव मोघे, पूर्व विधायक वामनराव कासावार, विधायक कीर्ति गांधी शिवसेना के बालू मुनगिनवार, ख्वाजा बेग, पूर्व विधायक विजयाताई धोटे, कांग्रेस के वजाहत मिर्जा, बाला साहब मांगुलकर आदि सहित अन्य मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता रोहित पवार ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता के लिए पार्टी को छोड़ने वाले गद्दार और स्वार्थी नेताओं को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने लोकसभा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। अन्यायकारी सरकार को हटाया नहीं गया तो आने वाले दिनों में संविधान और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और महामानवानी आम्हाला शिकवले दिल्ली सोबत झुकायचं नाही, त्या पद्धतीने या भागातला सर्वसामान्य व्यक्ती जगतो। निश्चयाला प्रामाणिक आहे आणि सहज तुम्ही सत्तेसाठी लोकांना सोडून गेला, पळून गेला तुम्ही। मग या लोकांना उत्तर कोण देणार? हे फक्त नेते देणार का तुम्ही? या इलेक्शन ताब्यात घेणार सांगा। एवढा कमी आवाज ऐकण्यासाठी आम्ही इथं आलो नाही। इस दौरान मंच पर उपस्थित शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे सरकार को मिंदे सरकार की उपाधि देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर हमला बोला। हारने के डर से बीजेपी इस कदर डरी हुई है कि झूठे आरोपों के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। इसी तरह से राज्य के महायुति सरकार में शामिल शिंदे और अजीत पवार गुट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर खोखे और धोखे का खेल खेला जा रहा है, जिसमें राज्य की जनता का विकास पिछड़ गया है। केंद्र सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीआईडी जैसी जांच एजेंसियों को पीछे लगाकर तानाशाही की हुकूमत चला रही है। इस तानाशाही सरकार को पराजित कर संजय देशमुख को जिताने की जिम्मेदारी अब जनता पर है। इस आशय का आग्रह भी उन्होंने किया। जो अन्याय सहन करता आलेला आहोत, काल परवा टेम्पल फुल डे होता बरोबर, काल तुम्ही फोन केला अनुदान एप्रिल फुल डे चे तुम्हाला शुभेच्छा देतो। तुमचा साहेब एप्रिल फुल डे ची गरज नाही आपल्याला, आपल्या देशात अच्छे दिन आपण साजरे करतो सर। गेले 5 वर्ष असेल, गेले 10 वर्ष असेल, एका मागोमाग एक, एका मागोमाग एक जुमल्यात बदल आपण ऐकत राहिलो। आपण शिवसेना मधून कोणत्याला बळी पडलो होतो? 25 वर्ष
कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व यवतमाल में आयोजित इस सभा को हजारों की संख्या में उपस्थित रहकर लोगों ने महाविकास आघाड़ी को उम्दा प्रतिसाद दिया है। लोगों की भीड़ और कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ ही महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ तथा युवा नेताओं की आक्रामकता से ये सभा बेहद कामयाब रही। ऐसे में जानकारों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में संजय देशमुख की जीत की संभावना कई गुना बढ़ गई है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।